क्या डिटेल्स मिल पा रही है, बस तो रेडी हम देख ही पा रहे हैं तस्वीरों में, कितनी देर तक जो फैंस हैं अपने चैंपियंस की वो झलक देख पाएंगे। मैं तो कहूंगा कि ये फैंस के लिए अच्छी खबर है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी टीम इंडिया बाहर निकल सकती है, क्योंकि जो फोर्स है वो अलर्ट पे आ गए हैं और इन्फॉर्मेशन जो मिली है कि वो सिर्फ टीम इंडिया लॉबी में बैठी हुई है, क्योंकि एक लंबी फ्लाइट के बाद, 2 घंटे की लंबी फ्लाइट के बाद वो आए हैं, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स होते हैं, क्योंकि देखिए आप इतनी लंबी फ्लाइट के बाद ना आप बैठ के ही आते हो, चाहे आप बिजनेस क्लास में क्यों ना हो तो उसको कंफर्ट नहीं होता, तो थोड़ा सा टीम इंडिया खिलाड़ी रिलैक्स हो रहे हैं, टी कॉफी हो रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी उनका स्वागत कर रही है, और अब वो कब पल कभी भी आ सकता है जब टीम इंडिया बाहर आएगी। और सिर्फ फैंस ही नहीं, मैं कहूँ कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी एक्साइटेड है अपने चहेतों को देखने के लिए, हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द टीम इंडिया बाहर आए और पहली झलक रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या है, वो भारतीय शेर सबको देखने को मिले और हर कोई एक्साइटेड है। मैं बता दूं यहाँ पर कि बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फैंस यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार सिक्योरिटी मना कर रही है, कुछ फैंस को तो एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया है, लेकिन जो लकी फैंस थे वो किसी तरह भी स्किप करके वो अंदर तक आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लेयर की सिक्योरिटी बैरिकेडिंग रखी गई है ताकि फैंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ऊपर है फैंस का, तो इसकी सुरक्षित इस बात का ख्याल जो फोर्स है वो इस बात रखी हुई है। बिल्कुल, और अमृत हम देख पा रहे हैं उस गेट की तस्वीर जहाँ से जो है टीम इंडिया बाहर निकलेगी, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल्स है वो अलर्ट पर वहाँ पर हो चुके हैं, अब लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है टीम इंडिया जो है वो बाहर यहाँ से आ सकती है, बेसब्री से इंतजार तो कर ही रहे हैं तमाम फैंस आप भी, क्योंकि क्रिकेट को आप जितना समझते हैं जितना जानते हैं, जो फैंस का क्रेजीनेस इस बार देखने को मिल रहा है क्या अलग अमृत नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जितनी एक्साइटमेंट फैंस को है उससे कई गुना एक्साइटमेंट तो टीम इंडिया को होगी वतन वापसी की, वो भी कप के साथ। वो बिल्कुल वो घर आ रहे हैं, वो जिनके लिए जो 1 अरब 40 करोड़ लोग के लिए जिनके उन्होंने जीता है ये मुकाबला, वो अपने घर के बीच में आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच में आ रहे हैं, तो फैमिली एक्साइटमेंट जो होती है वो तो है ही टीम इंडिया के अंदर। पता कि फैंस की बात मैं करूँ, कई साल का इंतजार रहा, हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीते हैं, फाइनल जीते हैं, 2023 आपको याद होगा मोनिका, हम बहुत करीब पहुंचे लेकिन कंगारू ने हमारे मंसूबों में पानी फेर दिया था, उसके बाद रोहित शर्मा का रहा कि नहीं, एक ऐसा खिलाड़ी है, देखिए एक अच्छा खिलाड़ी होना, एक अच्छा कप्तान होना वो अच्छी बात है, लेकिन रोहित शर्मा बतौर इंसान बहुत अच्छे हैं, मतलब उनसे जो इंसान एक बार मिल रहे हैं तो रोहित को ऐसा लगता है कि आप रोहित आपको जानते हैं, कई पुरानी दोस्ती आपकी है, जिस तरह से वो काम होकर मिलते हैं तो एक नेचर होता है जिससे लोग अटैच होते हैं, यही फैंस को रोहित शर्मा करीब लेके जाता है। आप उनके सोशल मीडिया वीडियोस देखिए, आप उनके बयान सुनिए, आप उनकी बातों को देखिए, किस तरह से वो भावुक होते हैं जब भी नेशनल एंथम होता है, जब भी हमने ट्रॉफी देखा, जब सेमीफाइनल हम जीते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो किस तरह से उनके आंखों से आंसू बाहर आ गए थे, तो एक बहुत ही भावुक खिलाड़ी है रोहित शर्मा, और टीम इंडिया ये अलग ही एक तरह की टीम है, फैंस अटैच टीम है, और अभी आप 2 महीने का आईपीएल खेल कर गए थे तो आपका अटैचमेंट ऐसे ही बना हुआ था भारतीय फैंस के साथ, और उसके बाद सोने पर सुहागा, T20 वर्ल्ड कप, विदेश में आप जाते हो, पहली बार यूएसए में मुकाबला होता है, उसके बाद सीरीज में हम जाते हैं, डिफिकल्ट कंडीशन में खेलते हैं और जीत कर आते हैं, और बस हमें भी इंतजार है मोनिका, फैंस के साथ हम भी यही इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपने चैंपियंस की और अमृत हम तो आपकी आवाज में वो एक्साइटमेंट जो है महसूस भी कर पा रहे हैं, वो कहते हैं ना कि लोगों के रगों में खून दौड़ता है लेकिन भारतीयों के रगों में तो क्रिकेट दौड़ता है, और ऐसा ही क्रिकेट आपके रगों में भी दौड़ रहा होगा अभी फिलहाल, क्योंकि आप भी वो झलक देखना चाहते हैं, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया के तमाम फैंस भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कब जो है विश्व विजेता भारत बना है, 1983 की वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जब पहली बार वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2007 में धोनी की ब्रिगेड ने जीती थी, और उसके बाद एक और सुखद तस्वीर 2011 की जब एक बार फिर से वर्ल्ड कप विजेता जो है टीम इंडिया बनी थी, और आज का वो दिन 2024 29 तारीख जब T20 वर्ल्ड कप दूसरी बार भारतीय टीम ने जीता रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर। और देखिए अमृत हम इसलिए भी जिक्र करना चाहेंगे इस बात का क्योंकि 2023 यानी कि 7 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतना एक मायूसी उस वक्त फैंस के बीच में होगी थी, लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर किस तरीके से टीम इंडिया को मोटिवेट करते आए हैं, और जब टीम इंडिया जीती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ वीडियो संदेश भेजा बकायदा फोन कॉल किया
तमाम खिलाड़ियों को कंग्रेचुलेट किया। लीडरशिप की ना यही बात होती है, आप एक अच्छे लीडर हैं तो अपने लोगों को आप जोड़ कर रखते हैं, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। हमने देखा कि चंद्रयान जब नहीं लॉन्च हो पाया था तो किस तरह से पीएम मोदी ने बढ़ावा दिया था इसरो में, इसरो के अध्यक्ष को। और जब जब टीम इंडिया हारी है, हम सेमीफाइनल क्यों भूल जाते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल जब हम हारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए थे, वहां पर खिलाड़ियों से बात किए, मोहम्मद शमी को बोले कि नहीं आपने बहुत अच्छा खेला, रोहित शर्मा को हौसला बढ़ाया, विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या की पिटी सुनवाई। तो आप जो ट्रू लीडर हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि हम उस क्लोज टू डिवाइन। और हम सुबह आई थिंक 6:30 हो रहे हैं अभी, मोस्ट पीपल आप देख सकते हैं रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है। और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने हैं सबके सब, इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट है और कितना कितना प्रेशियस है हमारी हमारे कंट्री के लिए। हाँ जी हाँ जी, थोड़ी सी झलक देख पाए तो वो मोमेंट उसको थोड़ा बयां कीजिए, क्या मन में कुछ तैयारी लेकर आए होंगे, किसके लिए सबसे ज्यादा चीयर अप करेंगे? जितना तेज पूरी टीम के लिए चीयर करेंगे और जितना तेज हो सके चीयर करेंगे, जो जो दिख जाएंगे उनके लिए चीयर करके उनके नेम से चीयर कर लेंगे, जो नहीं दिख पाएंगे, आई होप हमें वर्ल्ड कप का एक झलक दिख जाए, क्योंकि किस तरफ वर्ल्ड कप रखा होगा उस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएंगे या सामने ट्रॉफी रखी होगी बस के, वो हमें पता नहीं है। बट आई होप वर्ल्ड कप की एक झलक, मैं उसी के लिए आया हूँ पर्सनली। आई वुड से टीम तो है ही डेफिनेटली, बट वो जो कप देखने का जो एक इच्छा है वो डेफिनेटली। मैं सोया नहीं, आई हैवंट स्लेप्ट। मैं सुबह 4 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला, मुझे लगा यार ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, तो पहले ही एयरपोर्ट पे आके इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स कि मैं एयरपोर्ट पे आके यहाँ पे वेट कर रहा हूँ टीम की। हाँ जी, थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल, क्या कहना चाहेंगे जी? इंडिया टीम के वेलकम के लिए आ रखे हैं हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मज़ा तो आ रहा भाई जी, कितनी खुशी है मन पे? खुशी तो बहुत है पर बता नहीं चला कितनी हो रखी है जी। कितने बजे आ गए थे जी? मैं 5 बजे का रखा हूँ। रात को कितना एक्साइटमेंट था कि रात को नींद नहीं आई भाई? अच्छा हाँ जी, रात को नींद नहीं आई। अच्छा, मिस्टर डिपेंडेबल जिनको आपने जिक्र किया राहुल द्रविड़ का, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, राहुल द्रविड़ जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, पूरी टीम इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्दी तो बहुत प्राउड का मूवमेंट है। बाकी मैं मैच तो देखता नहीं, पर मैंने पहला मैच देखा था 2020 का। अच्छा, खुशी हुई देखकर? हाँ जी, प्राउड फील हुआ। क्या कहना चाहेंगे मिस्टर डिपेंडेबल का, आपने यहाँ पर पोस्टर लेके आए हैं आप? तो आज का ये मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, आपने फैंस से सुना होगा, क्रिकेट प्रेमी तो यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो क्रिकेट को पसंद भी नहीं करते वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये मूवमेंट कितना महत्वपूर्ण है आज हर देशवासी के लिए। ये एयरपोर्ट पे पहुंचे तमाम फैंस जो हैं खुद बयां कर रहे हैं कि ये मूवमेंट जो है हिस्ट्री में फिर क्रिएट नहीं होगा। आप भले ही दूर से अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देख पाए, लेकिन वो ट्रॉफी की एक झलक भले ही वो बस के अंदर से देख लें, लेकिन उनको वो देखनी है। और यही वजह है कि पर्सनली लोग सोए नहीं है, फैंस सोए नहीं है, रात भर एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं, बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि वो ढंग से तमाम क्रिकेटर्स को देख पाएंगे या ट्रॉफी को देख पाएंगे। लेकिन आप दीवानगी देखिए, कुछ लोग तो टैटूज जो हैं बनाकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब आप देखिए ये क्रेजीनेस आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, दुनिया